इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे सब फाइलम एक्सोपोर्ट्स के अंदर फिरमोन्स की एक और टाइप को जिसको हम कहते हैं ट्रेलिंग फिरमोन्स ट्रेलिंग फिरमोन्स की कॉमन एग्जांपल आपको बताएं आपने एज अ ले भी ऑब्जर्व किया होगा कि बाजूक एंड्स जो हैं वो एक ही कतार के अंदर चलना शुरू हो जाती हैं कि पहले एक एंट आती है वो वहाँ से अपनी ख़ुराक लेगी उसके बाद वहाँ पे पूरी लाइन बन जाती है अब ये लाइन किस वजह से बनती है हारमोन्स की वजह से जिसको हम कहते हैं ट्रेलिंग फिरमोन्स अब ये जो है इंसेक्ट का ऐसा बिहेवियर जिसमें एक जो है बाकियों को अट्रैक्ट करता है या वो इकट्ठे मूव करना शुरू हो जाते हैं उसको हम कहते हैं फॉरेजिंग बिहेवियर फॉरेजिंग बिहेवियर मुख्तफ इंसेक्ट्स के अंदर मुख्तलिफ है अब ये हेल्प करता है उसी कॉलोनी के मेम्बर्स को आइडेंटिफाई करने को लाइक अगर एंट है तो उसी कॉलोनी में ये एंड्स उसको आइडेंटिफाई करेंगे अगर टर्माइट है तो उसी कॉलोनी में टर्माइट उसको आइडेंटिफाई करेगी उसकी लोकेशन को क्वांटिटी ऑफ फूड को जो कि कॉलोनी का एक मेंबर फाइंड करता है और बाकी मेंबर्स जो हैं फिर उसकी तरफ जाएंगे एंड्स जो हैं दे आर आल्सो शो ट्रेलिंग ऑन अ फिरमोन पाथ एंड फ्रॉम अ फूड सोर्स तो जो फिरमोन ट्रेल है दैट इज री एनफोर्स्ड ईच टाइम एज एन एंड ट्रेवल के दो दो से चार चार से फिर आता आस्ता इनका नंबर जो है वो री एनफोर्सड होता है कि एक स्पीशी का मेंबर दूसरे को री एनफोर्स करता है ट्रेल फिरोमोन्स ओफन सरफेज एज मल्टीपर्पज केमिकल सिक्रीशन दैट लीड द मैंबर्स ऑफ इट्स ऑन स्पीशीज टूवर्ड्स द फूड सोर्स वाइल्ड रिप्रेजेंटिंग आ टेरिटोरियल मार्क इन द फॉर्म ऑफ एलोमोन टू ऑर्गेनिजम्स आउटसाइड ऑफ दैट स्पीशीज स्पेशली ट्रेल फिरोमोन्स उस वक्त ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं वैन देर इज सिक्रीशन ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ फिरोम फ्राम द एक्सोक्राइन ग्लैंड टू प्रोड्यूस हायर डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी लाइक इन एंड्स में इनकी स्पेसिफिसिटी और प्रोडक्शन का लेवल डिफरेंट होगा टर्माइट्स में इनका डिफरेंट होगा हनी बीज में डिफरेंट होगा तो डिफरेंट इंसेक्ट के अंदर फिरमोन अलार्म फिरमोन्स या ट्रेलिंग फिरमोन्स दे विल प्ले द सेम रोल बट इनका प्रोडक्शन का लेवल जो है वो डिफरेंट हो कंसिडर्ड वन ऑफ द प्राइमरी सिग्नलिंग मैथड्स जिसके अंदर सोशल इंसेक्ट्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं इस अलार्मिंग फिर, ट्रेलिंग फिरमोन की डेपोजिशन पे ये डिपेंड करता है कि कितना ये ट्रेलिंग फिरमोन डिपॉजिट हुआ उस कॉलोनी के अंदर कितने एनिमल्स ने फॉरेजिंग बिहेवियर शो किया कितनों ने ट्रेलिंग बिहेवियर शो किया तो ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ द फिरमोन्स दैट इज़ डिटेक्टेड बाय डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द कॉलोनी और ये फिरमोन्स ट्रेलिंग फिरमोन्स जो हैं इसके थ्रू डिफरेंट मेंबर्स दे आल्सो कम्युनिकेट विद वन अनदर थ्रू दिस फिगर यू कैन सी दैट दिस इज अ वुड पैनल एंड दिज आर द ब्लैक एंड्स दे आर यूजुअली शोइंग दिस बिहेवियर अंडर द दिसक्रेशन ऑफ ट्रेलिंग फिरमोन्स तो इसमें ट्रेलिंग फिरमोन से की प्रोडक्शन ने दूसरे इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट किया और फूड सोर्स जो है दैट इज़ इम्पोर्टेंट रोल ये अपना प्ले करता है ट्रेलिंग फिरमोन्स की सिक्रीशन में और थ्रू दिस ट्रेलिंग फिरमोन्स आल द मेम्बर्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ इसके अंदर एंड्स भी हैं और इसके अंदर टर्माइट के मुख्तफ़ किस्म के वर्कर्स हैं और एंड्स टर्माइट्स हनी बीज दे आल शो दिस काइंड ऑफ बिहेवियर अंडर दिक्रीशन ऑफ ट्रेलिंग फिरमोन्स और इन सब में फूड सोर्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और ये ट्रेलिंग फोरामस के साथ डिफरेंट मेंबर्स जो हैं दे विल कम्युनिकेट तो एक अट्रैक्ट होगा दूसरा भी आता जाएगा और इस तरह से ये पूरे इंसेक्ट की कॉलोनी जो है वो यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी तो ट्रेलिंग फिरमोन्स प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंसेक्ट फॉरेजिंग बिहेवियर इन इंसेक्ट फूड सोर्स इन जब भी इनकी फिर कॉलोनी के अंदर तादाद ज़्यादा हो जाएगी दे विल ऑफ कोर्स डैमेज द स्ट्रक्चर ऑन टू विच दे आर शोइंग देयर इनफेस्टेशन